हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीडूके के प्रेडिक्शन। तो गाइस कैसे हो आप? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिग बैश लीग 2022-23 के 50 T20 मैच के बारे में। दोस्तों, मैच होने वाला है सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर के बीच में। दोस्तों, अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले, ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 21 जनवरी को इंडिया टाइम को सर 1:35 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। अब बात करते हैं दोनों टीमों का टीम फॉर्म, चेक करते हैं लास्ट 5 मैच में क्या क्या हुआ। तो पहली टीम सिडनी सिक्सर की बात करें तो जहां पे 5 में से 4 मैच विन है तो 1 मैच लॉस करके आ रही है। वहीं अगर दूसरी टीम सिडनी थंडर की बात करें तो जहां 5 में से 3 मैच लॉस है, 2 मैच विन करके आ रही है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि टीम फॉर्म में सिडनी सिक्सर काफ़ी आगे चल रही है काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस के साथ। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेस में, तो जहाँ पे सिडनी सिक्सर 7 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं सिडनी थंडर 3 मैच जीत के आ रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि हेड टू हेड में भी सिडनी सिक्सर काफ़ी आगे चल रही है दोनों टीमों का हेड टू हेड। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 3 मैचेस में क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहाँ पे सिडनी सिक्सर का 80% देखने को मिल रहा है, तो वहीं सिडनी थंडर का 50%। एवरेज स्कोर की बात करें तो सिडनी सिक्सर का 155 है, तो वहीं सिडनी थंडर का 152 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो सिडनी सिक्सर का 209 है, तो वहीं सिडनी थंडर का 228 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो सिडनी सिक्सर का 117 है, तो वहीं सिडनी थंडर का 111 है। तो ये है दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो टीम कंपेरिजन में भी सिडनी सिक्सर का परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच में वेदर कैसे रहेगी? तो क्लाउड्स एंड सन रहेगी, 22.1 डिग्री सेल्सियस रहेगी। अगर वहीं ह्यूमिडिटी की बात करें तो 64% रहेगी, वहीं 56% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है? इस पिच का फर्स्ट बैटिंग का एवरेज स्कोर की बात करें तो 155 बनने की संभावना है। अगर वहीं सेकंड इनिंग में देखें तो 134 बन सकती है। इस पिच पे अभी तक टोटल 54 मैच खेले गए हैं, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। पिच की सरफेस की बात करें तो जितने भी मैच हुए हैं अधिकतर मैच डिफेंड हुई है। जो भी टीम अगर टॉस जीत के बैटिंग करती है तो उस टीम की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकती है। इस पिच पे डिफेंड में काफ़ी अच्छे रन स्कोर बनाए जा सकते हैं। अगर वहीं अगर बॉलिंग करने वाली टीम की बात करें तो यहाँ पर चेस करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों जो पिच है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का पिच है, तो दोनों टीम चाहेगी मैच जीतने के लिए, तो दोनों के बीच में काफ़ी मैच जबरदस्त भी हो सकता है, जैकपॉट होने की भी संभावना हो सकती है इस पिच पे। तब आगे बढ़ते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहली टीम सिडनी सिक्सर की बात करें तो नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त टीम है। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कम्बिनेशन जबरदस्त देखने को मिल सकता है। अगर वहीं अगर पॉइंट टेबल की बात करें तो पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर स्टेबल है। वहीं अगर दूसरी टीम सिडनी थंडर की बात करें तो नो डाउट ये भी अच्छी टीम है। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों का कम्बिनेशन जबरदस्त देखने को मिल सकता है। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी ज़बरदस्त होगा। दोनों टीम चाहेगी यहाँ पर मैच जीतने के लिए, क्योंकि जो अगर यहाँ पर सिडनी थंडर अगर पूरी कोशिश करती है तो वो पॉइंट टेबल में थोड़ा सा अप हो सकती है। अभी पॉइंट टेबल में अभी सिडनी थंडर 5वें नंबर पर स्टेबल है। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी अच्छी होगी। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड है कि विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं फिर दोनों टीमों की की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम सिडनी सिक्सर के की प्लेयर की बात करें तो मॉइस एनिक्स, स्टीव स्मिथ, जॉस फिलिप्स, डैनियल क्रिश्चियन। वहीं दूसरी टीम सिडनी थंडर के की प्लेयर की बात करें तो मैथ्यू गिलक्रिस्ट, डैनियल सैम्स, बेन कटिंग, क्रिस ग्रीन। ये हैं दोनों टीमों के की प्लेयर्स जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए सिडनी थंडर हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लगता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।